अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुनी मूंग की दाल। तो उसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, 2 कप तेल का ले लिया है घी का। अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो आप तेल यूज़ कर लें। लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया है, 1 टी स्पून है गरम मसाला, 1 टी स्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मैंने ली है हल्दी, अदरक लहसुन पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के, नमक है 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च है जो मैंने काट ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 दालचीनी हैं, 2 लौंग हैं, मेथी है, थोड़ा सा मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और 2 लेग पीस हैं। इससे हम बनाएंगे बहुत टेस्टी और मज़े की भुनी दाल। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने घी डाल देना है, गरम कर लेना है इसको। घी गरम भूनने के बाद हम इसमें आधी प्याज डाल देंगे जो कि हमने रेड कर लेनी है, और रेड करके इसको निकाल लेना है। रेड होने वाली है इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। फ्लेम हमने स्लो कर दी है, बिल्कुल निकाल लेना है। इसी घी में हम डाल देंगे 2 लौंग, 1 तेज़पात और हमने लेग पीस डाल देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। हमें इनको गोल्डन फ्राई करना है। चिकन फ्राई हो गया है तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन और इसके साथ ही टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेग पीस चूँकि देसी होते हैं तो ये अच्छे लगते हैं, इसमें इसमें बहुत टेस्ट आता है, इसलिए इसको भुनी दाल में डाला जाता है। अभी इस पॉइंट पे मैं इसमें मसाले डालूंगी, थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, नमक चला जाएगा, हल्दी और मिर्च चली जाएगी, चिली फ्लेक्स, रेड चिली एंड धनिया पाउडर और थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है मीठा बेकिंग पाउडर, मीठा पाउडर नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मकसद ये होता है कि ये ऑयल को जल्द नहीं होने देता है, ऑयल को ऊपर लेके आता है दाल के, इसलिए इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। अभी हम इसको मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। दाल कच्ची है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे, क्योंकि हमने भुनी दाल बनानी है तो इसमें हमने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमने बस
इसको भूनना है, जब तक ये गल ना जाए तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। जा रही हूँ और इसको भूनते जा रही हूँ। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है ये। स्पाइसेस में आप देख सकते हैं कि कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप कम कर लें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप स्पाइसेस ज़्यादा कर लें, लेकिन जो लेवल मैंने डाला है वो इंशाल्लाह मेजरमेंट उसकी बिल्कुल दुरुस्त है। पानी ऐड करके अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा दूंगी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, मैंने बहुत कम पानी इसमें डाला है क्योंकि हमें भुनी दाल चाहिए। तो जब तक ये गल ना जाए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। फ्लेम हमने लो कर दिए और चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल गल चुकी है। आप देख सकते हैं दाल हमारी गल चुकी है, इसको हमने इतना ही गलाना है बस। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। इसका घी निकल आएगा तो ये हमारी दाल डन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि घी निकल रहा है। माशाल्लाह से खुशबूदार अच्छी दाल तैयार हो चुकी है, आप ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ हमने जो फ्राई की थी प्याज, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली है और बाकी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हमने डाल देनी है मेथी और हमने डाल देना है गरम मसाला। तो माशाल्लाह से डन हो चुकी है दाल। अल्लाह हाफिज़।